छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। वर्ष 2008 से लंबित 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के पटवारियों ने 28 अगस्त से हड़ताल शुरू की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। क्रमिक भूख हड़ताल का आज दूसरा दिवस है, लेकिन किसी भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया है, ये बयान भी उन्होंने दिया है। पटवारियों का मानना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हड़ताल आंदोलन करते रहेंगे। मेरा नाम अंकित तिवारी है और मैं छतरपुर में ही पटवारी हूँ। हम लोग एक्चुअली गया 25 साल से मांग है, मैं मुख्य मांग है ग्रेड पे को लेकर 2800 ग्रेड पे होना है और भत्ता संबंधी मांग है, यात्रा भत्ता हो गया और आवास भत्ता। आवास भत्ता हम लोगों का भी वर्तमान में हम लोगों को 258 रुपये मिल रहा है और जो यात्रा भत्ता है वो 300 रुपये मिल रहा है। आप बताइए मानदेय कितना मिल रहा है? क्या मानदेय कितना मिल रहा है? मानदेय हम लोग को 2100 ग्रेड पे मिल रहा है। मतलब ये इतनी प्रैक्टिकलिटी है कि 300 रुपये में अगर कोई भी व्यक्ति महीने भर का पेट्रोल चला दे तो मैं उसके चरण छू के उसको प्रणाम करना चाहूँगा और उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी घोषित कर दूँगा, क्योंकि एक दिन का खर्चा होता है 300 रुपये हल्के जाने में। और हम लोग के हल्के भी ऐसे रहते हैं, एक हल्का में 3 गाँव हैं, एक गाँव के बीच में पता चला 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी है। मेरा हल्का है रनगुआ और भेलती के बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहाँ तक कमरे का है तो 258 रुपये में मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं रूम मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा।